الم يانن الذين امنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون आसमानों की तमाम चीज़ें और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है वो बरतर और अजीम शान है करीब है आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकि पाक तारीफ़ के साथ बयान कर रहे हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तफ़ार कर रहे हैं देखिए ज़रा अल्लाह तला फ़र्शियों के लिए अरशियों को ख़दमत गुजार बना रहे खूब समझ रखो कि अल्लाह तला ही माँ फरमाने वाला और राहमत वाला है और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को कारसास बना लिया यहाँ से आप हाईलाइट करते जाएँ तो वली का लफ्ज़ आप गिनेंगे तो बहुत दफ़ा मिलेगा इस सूरत में यानी यह है तहीद अमली कि अल्लाह को वली बनाओ दोस्ती उसकी नाराजगी का डर उसका तबक्ल उस पर उम्मीद उस पर वही काम बनाने वाला वही बिगड़ियों को बनाने आला ताला इन पर निगरान है और आप इनके ज़िम्मेदार नहीं क्या पता चला कि सूरत के शुरू में ही अल्लाह ने तौहीद की बात के साथ साथ फ़रिश्तों की दुआओं की बात करके आपको मुझे तोबा की दावत दी है हिदायत की तलब रखने वाले लोगों के लिए एक फिर एक मौका आ गया कि फ़रिश्तों की दुआएं लेना चाहते हैं जी तो फिर तोबा करनी होगी और तोबा अब आज आपको ये भी समझ आ गया ज़ुबानी स्तगफारस्तगफार नहीं छोड़ना पड़ेगा वो काम जिसमें शक हो उस से मौत अच्छी आती हो जिससे परवास में कोताही हराम के माल से नेकियों की परवास में कोताही आ जाती है बंदा वो वो कहते हैं ना कि जैसे मुंह छुपा लेता है और ऑर्चिड बिहेवियर हो जाता है जैसे शुतर मुर्ग जो है वो अपनी गर्दन छुपा के बैठ जाता है तो आप ना सुने ना करें लेकिन याद रखिए कि ज़िंदगी में जब तक हलाल नहीं आएगा नाफरमानी की चीज़ें नहीं निकलेंगी बाकी नेकियां आगे नहीं बढ़ेंगी पनप भी नहीं सकती वो चीज़ें